हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआरपीएफ की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, सीआरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है और इस वैकेंसी में आपका टोटल वैकेंसी है 789 पोस्ट, 789 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है उन सभी डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन किस किस टाइप की इसमें पोस्ट है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कब इसकी लास्ट डेट होने वाली है, इसमें आपकी फॉर्म फीस क्या लगेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम के बारे में है। तो जो जो लोग पैरामेडिकल या मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई भी पढ़ाई किए हुए हैं तो वो लोग के लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। हाँ, जिन लोगों के लिए वीडियो नहीं है, जो उस फील्ड से नहीं आते हैं, तो वो वीडियो को छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये है आपका एग्ज़ाम है पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम के लिए, ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है सीआरपीएफ के द्वारा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है। तो हाँ, सबसे पहले बता दूँ कि ऑनलाइन इसमें नहीं होगा, इसमें आपका ऑफलाइन यहाँ एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, जो कि होगा 20 जुलाई 2020 से, और जो कि चलेगा आपका क्लोजिंग डेट इसकी है 31 अगस्त 2020 तक, यानी कि लगभग लगभग मानिए तो 1.5 महीने हैं जिसमें आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने अपने एग्ज़ाम की जो डेट है वो पहले ही बता दी है, जो कि इनका एग्ज़ाम होने वाला है 20/12/2020 को होगा, जो कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आप लोग इसका एग्ज़ाम श्योर मानिए कि इसी टाइम पर होगा, क्योंकि अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, लेकिन दिसंबर में भी टाइम है, कम से कम 5 महीने, तब तक में काफ़ी हालात सुधर जाएंगे और एग्ज़ाम ज़रूर होगा अपने टाइम पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से थोड़ा इसके कौन कौन सी इसकी पोस्ट होती है और एज लिमिट इसकी क्या होने वाली है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, इन सभी चीज़ों को एक साथ हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, इसमें पोस्ट किस किस प्रकार की है। तो पहली पोस्ट है आपकी इंस्पेक्टर की, जो डाइटिशियन है, जो डाइट वगैरह के डॉक्टर होते हैं उनके लिए है। सैलरी यहाँ मिलेगी 44,900 से 1,42,400 तक। बीएससी होने चाहिए आपका यहाँ पर होम साइंस में, और साथ साथ आपका ये जो न्यूट्रिशियन है वो आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए, डिप्लोमा या तो आपके पास होना चाहिए, इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास हो तो चल जाएगी। 30 ईयर्स से कम आप होने चाहिए, जो कि आपकी एज काउंट होगी 31/8/2020 तक। और इसी के साथ साथ जो दूसरी पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की, जिसमें 12th पास मांगा गया है, और साथ साथ आपका यहाँ डिप्लोमा मांगा गया है जनरल नर्सिंग में, यहाँ भी 30 ईयर से कम होने चाहिए, सेम आपकी एज लिमिट वही है। और सब इंस्पेक्टर का फिर रेडियोग्राफर का है, उसमें है इंटरमीडिएट यानी वही 12वीं पास आपका यहाँ मांगा गया है, 30 ईयर से कम होनी चाहिए एज। अगली पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की, इसमें 12th पास आपको मांगा गया है और 20 से 25 साल की इसमें आपकी एज होनी चाहिए। इसकी एज आप लोग अगर इस बीच आते हैं तो आप लोग भर सकते हैं। 2 ईयर का डिप्लोमा सब में मांगा गया, इसका नोटिफिकेशन दे दूंगा, आप लोग डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। इसकी सैलरी यहाँ सामने लिखी हुई है, आप लोग इसको भी देखते चलें, 29,200 से 92,300 है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो है वो है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है आपके लिए, यहाँ है 12वीं पास आपको मांगा गया है, 20 से 25 साल तक की एज है, 1/8/2020 तक आपकी एज काउंट होगी, और यहाँ सैलरी 29,200 से 92,300, ये सभी सैलरी सेम टू सेम है सभी की। और इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीसियन की, इसमें मेट्रिकुलेशन विद साइंस मांगा गया है आपका, यानी कि 10वीं पास आप होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, 20 से 25 साल की यहाँ एज लिमिट है, 2 ईयर का आपको डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स होना चाहिए आपके पास, उसका कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगली पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीसियन की, जिसमें भी 10वीं पास मांगा गया, डिप्लोमा मांगा गया, 20 से 25 साल की एज लिमिट है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीसियन की पोस्ट है, जिसमें आपकी एक ही पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी की बस है, तो इसमें 10वीं पास मांगा गया है साइंस के साथ, 20 से 25 साल की एज है। अगला है हेड कॉन्स्टेबल, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है, और यहाँ आपकी जो सैलरी रहेगी 25,500 से 81,100, 12वीं पास आपका मांगा गया, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट में, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। हेड कांस्टेबल इसके बाद आती है एएनएम मिडवाइफ की, यहाँ 12th क्लास पास आपका मांगा गया है, 2 ईयर का डिप्लोमा, 18 से 25 साल तक की एज।
हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीसियन, उसके लिए 12वीं क्लास का पास मांगा गया है आपके पास, 2 ईयर का डिप्लोमा, 18 से 25 साल तक की एज लिमिट है। इसके बाद हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि 10वीं पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, डिप्लोमा या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 ईयर का, 20 से 25 साल तक की एज लिमिट होनी चाहिए आपकी यहाँ पर, इसे भी ध्यान रखिए। इसके बाद अगली पोस्ट है हेड कांस्टेबल की लेबोरेटरी असिस्टेंट की, इसमें भी 10वीं पास, मैथ विद साइंस। लगभग लगभग देखा जाए तो ये सभी की वही 10वीं पास अब नीचे की हैं, जितनी भी पोस्ट हैं ये आपको देखने को मिल रही है, इनमें 10वीं पास। इसका जो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप लोग डिटेल में भी देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर इसको मैं बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब इसकी कुछ और बातें इसमें देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और इसकी सैलरी और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में तो जान चुके हैं, अब ये जान लेते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। तो इसको आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, जो कि इसके लिए फॉर्म मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप का फॉर्म है, और आपको वो फॉर्म भरना होगा ऑफलाइन, आपको उसका प्रिंटआउट निकलवाना होगा इनकी वेबसाइट से, और उसको आपको भरना होगा और आपको वो हैंड पोस्ट करना होगा, यहाँ लिखा हुआ है हैंड पोस्ट करना होगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। और इसमें जो आपकी फ़ीस पेड होगी वो बैंक के ड्राफ्ट के अनुसार होगी, बैंक में जो डीडी बनवाते हैं डिमांड ड्राफ्ट, उसके अनुसार वहाँ आपकी फ़ीस जमा होगी। फ़ीस क्या होने वाली वो भी मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तो ये तो हो गया अप्लाई आपको कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है। तो इसकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है, इसमें 2 टाइप की पोस्ट है, ग्रुप बी ग्रुप सी की। तो ग्रुप बी के लिए आपको 200 रुपये की फ़ीस पे करनी यहाँ है, और ग्रुप सी के लिए आपको 100 रुपये की फ़ीस यहाँ पे करनी है। आप जिस भी कैटेगरी के लिए आप फॉर्म भरेंगे उस टाइप की फ़ीस आपको भरनी होगी, और यहाँ लिखा हुआ है फ़ी मे बी सेंड थ्रू इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स एंड बैंक ड्राफ्ट ओनली, यानी ऑनलाइन ना तो एप्लीकेशन भरा जाएगा ना ही फ़ीस जमा होगी आपकी, सिर्फ यहाँ ऑफलाइन आपका यहाँ फॉर्म भरा जाएगा और ऑफलाइन ही आपको यहाँ फ़ीस जमा करनी होगी। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ज़रूर भरिएगा। उसके बाद आपको इस एड्रेस पर भेजना होगा, जो आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, पेएबल एट SBI बंगरसिया। इस SBI डिमांड ड्राफ्ट इसका बनवाना पड़ेगा इस नाम से आपको, और वहाँ आपको इसे पैसे को मतलब कि फ़ीस को एग्जामिनेशन फ़ीस को सेंड करना होगा। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो एग्जामिनेशन सेंटर आपके इन कुछ शहरों में होने वाले हैं, जो कि है आपका न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, और जम्मू अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पालीपुरम। ये 9 सेंटर हैं, इन्हीं 9 सेंटर में आपके ये एग्ज़ाम होंगे। तो इसका आप सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला, क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें जो लेट लेट मत करिएगा आप लोग, 31/8/2020 तक आप लोग को ये मतलब कि भर देना है आपको। तो इसके बारे में अब आगे हम लोग जान लेते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें होने वाली है। तो देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 फेज़ में होगा। पहला होगा आपका PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट चेस्ट ये सब मापी जाएगी, ये होने वाला है। उसके बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग होती है और बाकी की चीज़ें यहाँ होंगी, जो कि आपके PST और PET जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपका होगा तीसरे स्टेज में रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में आपका क्या होगा कि आपका 100 क्वेश्चन आएगा, लेकिन 2 फेज़ में वो भी होगा। वो कैसे होगा कि आपका जो टोटल 100 मार्क्स का होगा वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा 2 पार्ट में, यानी कि पहले पार्ट में आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पर, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आएगी 10 क्वेश्चन, एक एक मार्क के 10 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस आएगा, आपका GK आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ आएगा, इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है, इनमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट वहाँ पर देना होगा, चाहे आप इंग्लिश सब्जेक्ट चुन लीजिए चाहे आप हिंदी सब्जेक्ट चुन लीजिए। इसके 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 15 और 10 10 इनके, यानी टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। ये तो पहला फेज़ का होगा, पहला पार्ट का। अगला पार्ट होगा वही 50 क्वेश्चन का रहेगा यहाँ पर, और इसमें आपको वो आपको मतलब कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट से रिलेटेड आपके कुछ उसमें
पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन विल बी कंसर्न प्रोफेशनल ऑफ द ट्रेड, आप जिस ट्रेड के लिए भरेंगे उसके लिए होगा। द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी एट पर विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आपका वहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग रहेगा। इसमें आपका नंबर नहीं जुड़ने वाला, नंबर सिर्फ आपका फर्स्ट के अनुसार जुड़ेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि EWS कैटेगरी और UR कैटेगरी के लिए इतने टोटल मार्क्स लाने जरूरी है, 50% मार्क्स आने चाहिए। SC ST OBC के लिए इतने हैं, जो जो पोस्ट यहाँ डली है उन पोस्ट के लिए ऐसा है बताया गया। मल्टीपल चॉइस टाइप के आपका क्वेश्चन यहाँ होने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके PST PET में होने क्या क्या वाला है। तो PST और PET की अब बात करते हैं कि इनके PST और PET में क्या होगा। तो चलिए, इसके फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका होने वाला है, आपका जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि UR, SC और OBC कास्ट के लिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। वहीं अगर चेस्ट की बात करें, UR, EWS और SC, UR, EWS, OBC, SC कैटेगरी के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने में 5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए ये नहीं होगा। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। उसके बाद जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी ST कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए मेल्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होगी। पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल रखा गया, 165 सेंटीमीटर और फीमेल के 155 सेंटीमीटर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चेस्ट जो आपका मांगा गया यहाँ पर 76 से 81 सेंटीमीटर, और जो बाकी के वो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं हमारे, तो उनके 78 से 83 सेंटीमीटर उनका लिया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो इसमें मेल्स के लिए जो होगा वो आपको 7 मिनट 30 सेकेंड में, 7 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1 माइल की रेस होगी, यानी कि 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर की रेस होगी। वहीं फीमेल्स के लिए 6 मिनट में 800 मीटर की रेस होने वाली है। लॉन्ग जंप में 10 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होगा, 3 चांस मिलेंगे, और फीमेल्स के लिए 6 फीट का आपको लॉन्ग जंप होगा। हाई जंप 3 फीट का होगा, 3 चांस मिलेगा मेल के लिए, फीमेल के लिए 2.5 फीट का होगा, 3 चांस मिलेगा। हाइट के लिए मैं बता ही चुका हूँ आपको पहले ही, 170 सेंटीमीटर और यहाँ 157 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इसका फॉर्म कैसे होने वाला है। तो इसका जो फॉर्म होगा ऑफलाइन आपको इस प्रकार का रहेगा, जो कि आप लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके इसका स्क्रीनशॉट लेके एक अच्छा फ़ोटो इसका खींच लीजिएगा, चाहे तो आप इसे पूरा एक प्रिंटआउट अच्छे से निकलवा लीजिएगा। या तो आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं अगले 2-3 दिनों के अंदर इसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के ही नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि 20 जुलाई से भराएगा, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी टाइम है। तो देखिए, ये आपका यहाँ आपका नाम लिखना है एग्जाम सेंटर, आप 2 चॉइस कर सकते हैं। आप अपना नाम लिखेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पर फोटो लगाएंगे आप। तो इन सब चीज़ ये पूरा आपको फिल करना होगा, जितनी भी जानकारी, ये देखिए इतना ये बड़ा फॉर्म है, यहाँ पर आपको बॉक्स में सिग्नेचर कर देना है। तो ये तो रहा आपका फॉर्म, और ये डिक्लेरेशन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, क्या गलती आपको नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी डाउट हों सबके आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी कोई चीज़ छूट गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं वहाँ आप लोग के क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए, ये जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की जॉब अपडेट इस चैनल पर मैं आप लोग को देते रहूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं और आपके सोशल मीडिया हैंडल हैं वहाँ आप लोग इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी के अपडेट लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।